किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे रसीले फल लगते थे। बंदर उन्हें भरपेट खाता और मौज उड़ाता। एक दिन एक मगर कहीं से निकलकर उस पेड़ के तले आया जिस पर बंदर रहता था। पेड़ पर से बंदर ने पूछा, तू कौन है भाई? मैं मगर हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, खाने की तलाश में यूं ही घूम रहा हूँ। यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है, इस पेड़ पर ढेरों फल लगते हैं। ये कहकर बंदर ने कुछ फल तोड़कर मगर की ओर फेंक दिए। वाह, ये तो बहुत रसीले हैं। बंदर ने और भी फल गिरा दिए। कल फिर आऊंगा, फल खिलाओगे? क्यों नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, रोज आओ। मगर अगले दिन आने का वादा करके चला गया। अब तो मगर रोज आने लगा। मगर और बंदर दोनों भरपेट फल खाते और बड़ी देर तक बातचीत करते रहते। बातों बातों में बंदर ने कहा कि, मगर भाई, मैं दुनिया में अकेला हूँ और तुम्हारे जैसा मित्र पाकर अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं तो अकेला नहीं हूँ, घर में मेरी पत्नी है, नदी के उस पार हमारा घर है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी भी है? मैं भाभी के लिए भी फल भेजता। जब मगर जाने लगा तो बंदर ने उसकी पत्नी के लिए बहुत से पके हुए फल तोड़ कर दिए। उस दिन मगर अपनी पत्नी के लिए बंदर के दिए हुए फल ले गया। मगर की पत्नी को फल बहुत पसंद आए। आप रोज इसी तरह रसीले फल लाया करें। धीरे धीरे बंदर और मगर में गहरी दोस्ती हो गई। मगर रोज बंदर से मिलने जाता, जी भरकर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। मगर की पत्नी को फल खाना अच्छा लगता था, पर अपने पति को देर से घर लौटना उसे पसंद नहीं था। वो इसे रोकना चाहती थी। एक दिन उसने कहा, मुझे लगता है तुम झूठ बोलते हो। भला मगर और बंदर में कहीं दोस्ती होती है? मगर तो बंदर को मारकर खा जाते हैं। मगर की पत्नी बहुत चालाक थी। उसने सोचा, अगर वो बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका मांस कितना मीठा होगा। यदि वो मिल जाए तो कितना मजा आए। ये सोचकर उसने मगर से कहा, एक दिन तुम अपने दोस्त को घर ले आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। वो तो जमीन पर रहने वाला जानवर है, पानी में तो डूब जाएगा। तुम उसको न्योता तो दो, बंदर चालाक होते हैं, वो यहाँ आने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा। मगर बंदर को न्योता नहीं देना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी रोज उससे पूछती कि बंदर कब आएगा। मगर कोई ना कोई बहाना बना देता। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, बंदर के मांस के लिए मगर की पत्नी की इच्छा तीव्र होती गई। मगर की पत्नी ने एक तरकीब सोची। एक दिन उसने बीमारी का बहाना किया और ऐसे आंसू बहाने लगी मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। मगर अपनी पत्नी की बीमारी से बहुत दुखी था। वो उसके पास बैठकर बोला, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने जब वैद्य से पूछा तो उसने बताया कि जब तक मैं बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ। बंदर का कलेजा? हाँ, बंदर का कलेजा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो अपने मित्र बंदर का कलेजा लाकर मुझे खिलाओ। मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा वही तो एक मित्र है, उसको भला मैं कैसे मार सकता हूँ? अच्छी बात है, अगर तुमको तुम्हारा दोस्त ज्यादा प्यारा है तो तुम उसी के पास जाकर रहो। तुम तो चाहते हो मैं मर जाऊं। मगर संकट में फंस गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बंदर का कलेजा लाता है तो उसका प्यारा दोस्त मारा जाएगा, और अगर नहीं लाता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। वो रोने लगा और बोला,
मेरा एक ही तो दोस्त है, उसकी जान मैं कैसे ले सकता हूँ? तो क्या हुआ, तुम मगर हो, मगर तो जीवों को मारते ही हैं। मगर जोर जोर से रोने लगा, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। पर इतना वो जरूर जानता था कि पति को पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। उसने तय किया कि वो अपनी पत्नी का जीवन जैसे भी हो बचाएगा। ये सोचकर वो बंदर के पास गया। बंदर मगर का रास्ता देख रहा था। क्यों दोस्त, आज इतनी देर कैसे हो गई? सब कुशल तो है ना? मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर नहीं बुलाया है। वो तुमसे मिलना चाहती है। उसने कहा है कि मैं तुमको अपने साथ ले आऊं, अगर नहीं चलोगे तो वो मुझसे फिर झगड़ेगी। बस इतनी सी बात थी? मैं भी भाभी से मिलना चाहता था, पर मैं पानी में कैसे चलूंगा, मैं तो डूब जाऊंगा। उसकी चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा। बंदर राजी हो गया। वो पेड़ से उतरा और उछल कर मगर की पीठ पर सवार हो गया। नदी के बीच में पहुंचकर मगर आगे जाने की बजाय पानी में डुबकी लगाने को था कि बंदर डर गया और बोला, क्या कर रहे हो भाई, डुबकी लगाई तो मैं डूब जाऊंगा। मैं तो डुबकी लगाऊंगा, मैं तुमको मारने ही तो लाया हूँ। ये सुनकर बंदर संकट में पड़ गया। उसने कहा, क्यों भाई, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी पत्नी बीमार है, वैद्य ने उसका एक ही इलाज बताया है, यदि उसको बंदर का कलेजा मिल जाए तो वो बच जाएगी। यहाँ और कोई बंदर नहीं है, मैं तुम्हारा कलेजा ही अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। पहले तो बंदर भौचक्का रह गया, फिर उसने सोचा, केवल चालाकी से अपनी जान बचाई जा सकती है। मेरे दोस्त, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो भाभी को बचाने के लिए अपना कलेजा खुशी खुशी दे देता, लेकिन वो तो नदी के किनारे पेड़ पर टंगा है, मैं उसे हिफाजत के लिए वहीं रखता हूँ। तुमने पहले ही बता दिया होता, मैं उसे साथ ले आता। ये बात है? हाँ, जल्दी वापस चलो, कहीं तुम्हारी पत्नी की बीमारी बढ़ ना जाए। मगर वापस पेड़ की ओर तैरने लगा और बड़ी तेजी से वहाँ पहुँच गया। किनारे पहुँचते ही बंदर छलांग मार कर पेड़ पर चढ़ गया और उसने हंसकर मगर से कहा, जाओ मूर्ख राज, अपने घर लौट जाओ। अपनी दुष्ट पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है? शिक्षा, अधिक लालच मत करो। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।